Hello everyone, welcome to Skytech Academy, a structural software training institute where you learn lots of practical engineering concepts. तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे Excel Basic सीरीज में एक जो नया वीडियो है, छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन बहुत ही उपयोगी है। तो मैं आपको उस कंसेप्ट के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको Excel स्प्रेडशीट बनाते समय या फिर कोई भी एग्जिस्टिंग Excel स्प्रेडशीट में आपको फॉर्मूला चेक करना है तो उस टाइम पे आपको ये बहुत काम आएगा, और अगर फॉर्मूला चेंज करना है तो भी ये बहुत काम आएगा। तो शुरू करते हैं हमारे नए वीडियो के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हो इनपुट वैल्यू का एक कॉलम है, जैसे कोई भी एक्सेल स्प्रेडशीट होगी आपके पास, वहां पे आपकी इनपुट वैल्यूज होगी। तो बट ऑब्वियस है कि वो इनपुट वैल्यूज आपकी जो पूरी एक्सेल स्प्रेडशीट होगी बहुत सारी जगह पर वो वैल्यू लिंक होगी, है ना। फॉर्मूले में वो वाला जो सेल होगा जहां पर आपकी इनपुट वैल्यूज है वो वाला सेल बहुत बार रेफर हुआ होगा, ठीक है। तो उसकी वैल्यूज को लॉक कैसे करते हैं, मतलब वो वैल्यू कांस्टेंट कैसे रहनी चाहिए, वो उसको आप कहीं पे भी ड्रैग करो, ड्रॉप करो, कॉपी करो तो वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये नंबर है रैंडम, मैंने कोई भी एग्जाम्पल ले लिया है, जस्ट मुझे उनका समीशन करना है, एडिशन करना है, और यहाँ पर मैंने नंबर लिए है और यहाँ पर उसका मल्टीप्लिकेशन दिखाना है। इसका जो ओरिएंटेशन है मैंने वर्टिकल रखा है, इसका ओरिएंटेशन मैंने हॉरिजॉन्टल रखा है। ऐसा मैंने क्यों किया है मैं आपको अभी बता दूंगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर मैं इसको ऐड करता हूँ, ठीक है। ऐड करने के लिए मैंने इसको ये सेल को सिलेक्ट किया, प्लस दबाया और ये सेल को सिलेक्ट किया, तो इसका जो टोटल वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। अब मैं इसको अगर ड्रैग करता हूँ यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि ये देखो नंबर्स चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखो दोस्तों ये इस सेल का रेफरेंस ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद देखो क्या हो गया, ये मेरा सेल चेंज हो गया। ये वाला सेल तो बराबर पकड़ रहा है वो C8, बट यहाँ पर वो D4 हो गया, ठीक है। यहाँ पर वो D5 हो गया, यहाँ पर D6 हो गया। ये वैल्यूज चेंज होते जाती है, मतलब कि आपका ये सेल कॉन्स्टेंट होना चाहिए था ना, क्योंकि मुझे ये सारी वैल्यूज के साथ इसको एड करना है, लेकिन वो चेंज हो गया। तो फिर उसको लॉक कैसे करें, तो क्योंकि मैंने यहाँ पे रोज में ड्रैग कर रहा हूं तो यहाँ की जो ये सेल की जो रो है उसको मैं लॉक कर दूंगा। अब देखो यहाँ पर ये कॉलम के नंबर्स है अल्फाबेट्स में ABCD, ठीक है, और यहाँ पर ये 1 2 3 4 यानी कि नंबर्स है कॉलम रो के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सेल है मेरा D3 में से मैं 3 को लॉक कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब D3 को मुझे जो थर्ड रो है वो लॉक करना है, तो 3 के आगे आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली डॉलर प्रेस करना है, ठीक है। और एक बार डॉलर आपने एंटर कर दिया उसके बाद क्या होगा, ये वाला जो सेल रेफरेंस है ये लॉक हो गया है। अब अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूं दोस्तों तो देखो ये क्या हो गया, 11+3। अब देखो हर एक जगह पर वो सेल का रेफरेंस जो है D3 कॉन्स्टेंट है। क्यों कॉन्स्टेंट है, कि मैंने ये जो रो है उसको लॉक कर दिया है। अगर मैं नीचे ड्रैग भी करता हूं तो वो वाली रो मेरी लॉक हो चुकी है, तो वो वाला जो मेरा सेल का रो है वो चेंज नहीं होगा, ओके। यहां पर देखो दोस्तों यहां पर क्या है, ठीक है, अब यहां पर मुझे मल्टीप्लाई करना है इस नंबर को इसके साथ, तो मैंने ये सेल सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई किया और ये वाला सेल सिलेक्ट किया। अब मैं अगर इसको यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूं देखो ये सेल का रेफरेंस चेंज हो जाता है यहाँ पर, देखो है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने ये रोज को मतलब लॉक किया था और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, कॉलम को लॉक करूंगा, यानी कि D3 में से जो D है उसको लॉक करूंगा। तो D के आगे मैं डॉलर प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कॉलम लॉक। अभी मैं अगर इसको ड्रैग करता हूं तो मेरा देखो वो जो सेल है D3 वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना? और आपकी फाइनल प्रोडक्ट आ गई। पर अगर आपको ये जो दोनों चीजें हैं इनको एक साथ एग्जीक्यूट करना है, यानी कि कभी आपको समझो इसको ही ड्रैग करना है नीचे की तरफ, फिर भी आपका ये सेल का रेफरेंस लॉक होना चाहिए वहां पे, तो उस केस में क्या करना है, आपको रो को भी लॉक करना है और कॉलम को भी लॉक करना है। तो वो कैसे करोगे, तो यहां पर आप सिंपली डॉलर प्रेस करोगे, ओके। अब अगर
अब आप अगर इसको ड्रैग करोगे तो आपको वैल्यू यहां पर मिल जाएगी। ठीक है, देखो हरेक सेल का मल्टीप्लीकेशन आ गया है, क्योंकि ये जो I6 वाला जो सेल है उसको हमने लॉक नहीं किया था, तो वो चेंज होते गए I7, I8, I9। इसमें भी मैं I6 को लॉक कर दूंगा। यहाँ पर जो मेरा सेल रेफरेंस है I6, उसको मैं लॉक करता हूँ। तो यहाँ पे मैं डॉलर प्रेस कर देता हूँ, और अब मैं अगर इसको ड्रैग करता हूँ, ये मेरा वैल्यू कांस्टेंट रहेगा जो वैल्यू इसके लिए है। तो देखो दोस्तों, मैंने कॉलम को लॉक किया, रो को लॉक किया, ठीक है। तो अगर आपको हॉरिजॉन्टली ड्रैग करना है तो आपको कॉलम को लॉक करना है, अगर आपको वर्टिकली ड्रैग करना है यानी कि डाउनवर्ड्स ड्रैग करना है, अगर फॉर्मूला वहां पर कॉपी करना है तो आपको रो को लॉक करना है। लेकिन दोस्तों इसका शॉर्टकट भी है। आप सिंपली क्या करो, जैसे ये मेरा सेल रेफरेंस है, ठीक है, यहां पर ये जो J6 वाला सेल दिख रहा है इसको मुझे लॉक करना है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, कीबोर्ड से F4 यानी कि F4 ये जो फंक्शन की होती है उसमें से F4 की मैं प्रेस करूंगा। अगर मैं एक बार प्रेस करता हूं तो आप देखो दोस्तों कि कॉलम और रो दोनों ही लॉक हो चुके हैं, अभी वो जो सेल की रेफरेंस वैल्यू है वो चेंज नहीं करेंगे। फिर अगर मैं दूसरी बार प्रेस करता हूँ वो देखो उसने सिर्फ रो को लॉक किया है। इसी बार प्रेस कर रहा हूं तो क्या हो गया, सॉरी मैंने गलत कर दिया, मैं वापस कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने अगर इसको F4 को प्रेस किया एक बार, दोनों ही लॉक हो चुके हैं कॉलम और ये जो रो है। सेकेंड टाइम प्रेस कर रहा हूँ तो मेरा रो का जो वैल्यू है वो लॉक हो चुका है। थर्ड टाइम प्रेस करता हूँ तो मेरा कॉलम का वैल्यू लॉक हो चुका है। एंड देन अगर मैंने नेक्स्ट टाइम और अगर प्रेस कर दिया F4 तो फिर से बाहर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये है शॉर्टकट F4। ठीक है, कीबोर्ड से F4 की आप प्रेस कर सकते हो और कॉलम और सेल को, कॉलम और जो रोज है उसको लॉक कर सकते हो। कोई भी एक पर्टिकुलर सेल की जो रेफरेंस वैल्यूज होती है कॉलम और रोज, उसको लॉक करके उस वैल्यू को आप जहां चाहो वहां यूज कर सकते हो। नंबर ऑफ टाइम्स आपका वो सेल का जो रेफरेंस होगा वो चेंज नहीं होगा। छोटी सी कमांड है पर बहुत ही उपयोगी है। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारे जो आने वाले वीडियोज है उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले अपने मोबाइल स्क्रीन पर मिल सके। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।